There are claims to ban a fake movie showing Shahrukh Khan as Tipu Sultan, jisko lakho views mile. Why go through the trouble of creating a fake trailer of a movie that was never even announced and defame such a great actor like Shahrukh Khan and a great warrior like Tipu Sultan? I mean, the sword of Tipu Sultan, Doordarshan pe aata tha, bhul gaye? टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड के लिए विजय माल्या ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे ऑक्शन में. उसको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता है और मुस्लिम कम्युनिटी इवन ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ गाजी, द हीरो ऑफ इस्लामिक फेथ. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अ कम्युनिटी वुड हेट अ लीडर लाइक हिम, लाइक टीपू सुल्तान. आई विल गिव यू 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस व्हाई यू शुड नॉट हेट हिम. इफ यू डिसएग्री विद मी, let me know in the comments below. And yes, please don't forget to subscribe by clicking the subscribe button below and share this with as many people as you can. This is very important. Welcome to the new episode of Breathing History. Mid 18th century mein Maratha Rajya apne charam par tha. मुगल पूरी तरह हार चुके थे और कोई मुस्लिम राइवल बचा नहीं था. बट मैसूर स्टेट के हिंदू राजा चिक्का कृष्णराज वोडियार की आर्मी में देर वॉज अ सोल्जर हैदर अली. ही वॉज राइजिंग अप द रैंक्स इवन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस लाइक महमूद ऑफ गजनी एंड गौरी, वेयर दे हैव बिट्रेड देयर हिंदू किंग्स इन वन वे और अनदर. द किंग ऑफ मैसूर still chose to make Haider Ali the supreme commander of his army. And guess what happened? Haider Ali set aside the king and usurped the throne and he became the king of Mysore state, obviously. Phir 1782 mein Haider Ali ke marne ke baad uska beta Tipu Sultan Mysore ka raja bana. And what does Tipu announce on his first day at the court? That he would see to it that all the kafirs are made Muslims. He ordered all of his men to convert every Hindu to Muslim. और अगर कोई नहीं माना तो आदमियों और बच्चों को मार दो और महिलाओं को आपस में बांट लो और सेक्सलेस बना लो. तो गलती किसकी है? कृष्णराज वोडियार की, हिंदू राजा की. बेचारे टीपू को भुगतना पड़ता है यार. टीपू ने मलाबार पर अटैक करके एक बार में 1 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया. From Dharwar to Travancore, millions of Hindus were struck by this horror. जिससे बचने के लिए काफ़ी लोग कृष्णा नदी में और कुछ लोग तुंगभद्रा में डूब के मर गए और कितनों ने तो जौहर कर लिया. अब ये तो सुसाइड है. इसमें भी आप बेचारे टीपू को गाली दोगे? टीपू खुद के कोर्ट में बोला कि उसके राज में 50,000 हिंदू कन्वर्ट हुए, वो भी एक दिन में. आज तक इतना कोई नहीं कर पाया उसके पहले. By the grace of Allah, he had been able to spread Islamic faith and annihilate kafirs. और फिर इसको और बढ़ाने के लिए उसने एक special task force बनाई. Recruits in this force were the most violent ones, जिन्हें वो खुद की औलाद की तरह समझता था. इस force को भेजा गया इस आदेश के साथ कि जाके जितनी ज़्यादा brutality हो सके करो हिंदुओं पर, और जो ना माने उन्हें जितनी बर्बरता से हो सके मार डालो. जो सबसे ज़्यादा वायलेंट और ब्रूटल होगा उसे इनाम में सारी कैप्चर्ड हिंदू लड़कियों में से सबसे हसीन और यंग लड़की दी जाएगी. मतलब ये तो मैनेजमेंट सीखना चाहिए यार इससे, कि एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है. और यहाँ आप लोग टीपू को बुरा भला बोल रहे हो? तो ये सब एट्रॉसिटीज़ का पता चला मराठा एम्पायर के कैपिटल में. अब सिंस उनकी ड्यूटी थी हिंदुओं को बचाने की, तो सब तरफ से मराठा सेनाओं ने टीपू की ओर मार्चिंग करना स्टार्ट करी. टीपू को पता चला कि मराठा आ रहे हैं, तो उसने सोचा कि यार इनके आने तक एक दो अटैक और कर देता हूँ. तो उसने मैसूर के पास ही नारगुंड और किट्टूर पर अटैक किया. यहाँ के राजा थे हिंदू ब्राह्मण, और टीपू को तो भैया ब्राह्मण बिल्कुल नहीं पसंद. ब्राह्मणों के लिए एक अलग लेवल का टॉर्चर रिजर्व किया था. जब यहाँ के राजाओं को युद्ध के बाद बंदी बनाया गया तो टीपू पर्सनली गया उनको टॉर्चर करने. वो कैसे किया? उसने दोनों राजाओं पर भारी लोहे की बेड़ियाँ डलवा दी और उनके सामने उनकी घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनका रेप किया. पहले टीपू पर्सनली रेप करता था और फिर सेना के सारे लोग एक के बाद एक, वो एक के बाद एक रेप करते रहे जब तक वो मर ना जाए.
कई माएं तो अपनी औलादों के साथ ये होता हुआ देख के वहीं दम तोड़ देती थी। ये सब उसने किया मराठा सेना के मैसूर पहुंचने के पहले तक। अब अगर मराठा सेना मैसूर लेट पहुंची तो उसमें बेचारे टीपू की क्या गलती है? सरदार पटवर्धन, फड़के, बहरे, होलकर, भोसले और भी कुछ मराठा सरदार अपनी अपनी आर्मीज लेके टीपू को घेरने लगे और अलग अलग क्षेत्र जीतते हुए उन्होंने टीपू को मैसूर में कन्फाइन करके रख दिया। बेचारा टीपू नहीं, अब जब वो घिर गया था तब उसने हिंदू मंदिरों में पैसा देना शुरू किया, नई मूर्तियाँ लगवाई जो उसी ने तोड़वाई थी पहले। वही ब्राह्मण जिसे वो पहले घृणा करता था अब उन्हीं को पैसा दे के पूजा करवाता था, रथ यात्रा करवाता था, क्योंकि मराठा सेना को खुश करना था ना, नहीं तो वो मार जाते इनको। यही समय था जब उसने सीक्रेटली लेटर लिखा खलीफा को कि आके इधर अटैक करो ताकि वो बच सके। फाइनली 1799 में ब्रिटिश और मराठा सेना से टीपू मारा गया। अब बताइए, वो मंदिर बनवा रहा था, पूजा करवा रहा था, भले ही पहले उसने लाखों लोगों को टॉर्चर किया हो और मारा हो, पर अब वो रथ बनवा रहा है। अब इसको भी लोग टीपू का दोगलापन बोलेंगे, मतलब कुछ भी करके ब्लेम टीपू पे डालना है। After Tipu's death, Wodeyars were reinstalled in Mysore and a large portion came under Maratha Empire. Jitni bhi territory Tipu ne li thi, it went back under a Hindu state. But this is where we messed up. After defeating Tipu, when the Maratha army was going back marching through the streets, there were 2 to 3 lakh Hindus who were forcibly converted to Muslims by Tipu. वो लोग बाहर आके ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी नई मुस्लिम कम्युनिटी उनको बाद में जीने नहीं देती। तो इतने सारे मराठा सरदारों में से किसी ने ये नहीं सोचा कि ये सारे लोग जिन्हें फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया है उनकी घर वापसी करवा देना चाहिए। इट वुड हैव बीन सो मच ईजियर टू डू इट एट द टाइम। देयर वर सैफ्रन बैनर्स फ्लटरिंग इन द स्काइज विद द वॉर क्राइज ऑफ हर हर महादेव। In the streets of Mysore and in those very streets lived those thousands of men and women rotting and slaving in the Muslim households, leading a miserable life of shame and remorse. Was there no will to do so, or no one just never thought about this? But we don't have to make new mistakes. Jo aaj tak galtiyan karte aaye hain, bas wahi to repeat karni hai. Aur waise bhi jo hua wo tab hua, usse hame kya? हमको तो ये देखना है कि जब और अगर, इफ़ एंड व्हेन टीपू पर कोई मूवी बनाता है, अगर शाहरुख खान टीपू पे मूवी बनाता है तो हम उसको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे और अपनी मेहनत की कमाई से उसकी टिकट खरीद के उस फिल्म को सुपरहिट, टीपू को हीरो और शाहरुख खान को सुपर हीरो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इफ यू लाइक आवर वर्क प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। And don't forget to press the bell icon and share with your friends and family. This gives us a lot of encouragement and motivation. This is high time for us to unite. So please come and join the cause by filling out the Google form in the description below. And also, if you have any suggestions, please leave them in the comments below. Thank you for watching and see you in the next episode of Breathing History.